सो हेलो एवरीवन तो आज के क्लास में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है प्रोबेबिलिटी तो देखिए जितना भी आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है या फिर एल का एग्जाम है या फिर ए का सी पेपर है इसमें जनरली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता ही आता है ये एल और एम के एग्जाम में हो सकता है कि ना आए बट अगर आप यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर एम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक नए एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही ठीक है तो सबसे पहले ये होता क्या है यह मैं बता रहा हूं तो देखिए सबसे पहले हम को एक्सपेरिमेंट करते हैं सपोज कीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट की बात कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर देखें तो आप सपोज कीजिए एक डाइस ले लीजिए यह आपका क्या है एक डाइस है ठीक है ना डाइस एक क्यूब का होता है उस डाइस में यहाँ पे एक ऐसे करके पॉइंट रहता है इसमें ये टू पॉइंट होता है इसमें ऐसे करके फोर पॉइंट्स होते हैं फाइव पॉइंट्स होते हैं सिक्स पॉइंट्स होते हैं तो ऐसे करके आपने देखा होगा जब आप लूडो खेल रहे होते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको सिम्बॉस दिखते हैं अलग अलग फेस पे ये सब अलग अलग फेस पे होते हैं एग्जिस्टेड होते हैं तो ये सब होते हैं यहाँ पे सिक्स होता है तो इस टाइप का आप फेस पे देखते होंगे तो ये आपको डाइस में मिल जाएंगे तो इस डाइस में अगर हम बात करें तो जब इस डाइस को हम थ्रो करते हैं इस डाइस को क्या करेंगे हम थ्रो करते हैं तो आपके पास छह पॉसिबिलिटीज हैं ये छह का छह पॉसिबिलिटीज है तो कुछ भी आ सकता है या तो फिर वन आ सकता है या फिर टू आ सकता है या फिर थ्री आ सकता है या फिर फोर आ सकता है या फिर फाइव आ सकता है या फिर सिक्स आ सकता है तो इसमें से कुछ भी आपका आ सकता है ये आपको पता नहीं है इसीलिए ये जब आपको इसका आउटकम्स पता नहीं है तो इस टाइप के चीज़ों को हम एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं तो एक्सपेरिमेंट वही होता है जिसका आउटकम्स हमको पता नहीं होता ठीक है ना तो इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करें तो यह है एन ऑपरेशन एन ऑपरेशन आप लिख सकते हैं इसको सिंपली एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस विच कैन प्रोड्यूस ठीक है सम वेल डिफाइंड आउटकम्स सम वेल डिफाइंड आउटकम्स वेल डिफाइंड आउटकम्स आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट अब मैं इसका मतलब यह बता रहा हूं कि देखिए जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गारंटी है कि अगर आप डाइस को अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो वहां पे तो चाहे वन आए या फिर टू आए या फिर थ्री आए या फिर फोर आए या फिर फाइव आए या फिर सिक्स आए, आए ये तो गारंटी है इसमें से कोई एक आउटकम्स आएंगे तो ये जो आउटकम्स होता है तो यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हैं सिक्स हैं वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ना तो यहां पे ऑन थ्रोइंग ए डैस ऑन थ्रोइंग ए डाइस ठीक है ना द टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या चीज पॉसिबल आउटकम्स इज सिक्स पॉसिबल आउटकम्स कितने सिक्स हैं दैट इज क्या क्या दैट इज आपका आ जाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहां पे टोटल कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स सिक्स हैं तो इस चीज को आप याद रखिए यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे सिक्स हो जाएंगे तो यही जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है इसका प्रोबेबिलिटी में एक अच्छा नाम दिया जाता है जिसका नाम है सैंपल स्पेस बिल्कुल याद रखिए सैंपल स्पेस तो अगर आपको पूछेगा कि सैंपल स्पेस क्या है तो इसको आप याद रखिएगा ये कुछ नहीं है ये क्या है आपका टोटल आउटकम्स है टोटल आउटकम्स है तो सैंपल इज द टोटल सैंपल स्पेस इज द टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसमें क्या आउटकम्स है उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं जैसे देखिए और तो एक कुछ और एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं सपोज कि आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो इन टॉसिंग एक्वाइन नहीं तो एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो इन कॉस इन टॉसिंग एक्वाइन इन टॉसिंग इन टॉसिंग एक्वाइन इन टॉसिंग एक्वाइन अगर एक क्वाइन को आप टॉस करते हैं ठीक है ना तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस होगा वो आपके पास दो ही सैंपल स्पेस होंगे या तो आपके हेड आएंगे या नहीं तो आपको टेल आएंगे इसको छोड़कर कोई दूसरा आपका सैंपल स्पेस आ ही नहीं सकता मतलब सैंपल स्पेस कितना होंगे यहां पे टू होंगे ठीक है ना एट द सेम टाइम अगर आप चाहता है कि एक क्वाइन नहीं दो क्वाइन को मैं टॉस करूं ठीक है इफ टू क्वाइंस इफ टू क्वाइंस ठीक है आर अ टॉस्ड आर अ टॉस्ड मगर दो क्वाइन को अगर हम टॉस करते हैं देन द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देन द नंबर ऑफ क्या चीज सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस कितने होंगे यहां पे वो आपको बताने हैं सैंपल स्पेस का दूसरा नाम क्या है टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स तो देखिए आपके पास यहां पे दो क्वाइंस हैं एक क्वेंस यहां पे है दूसरा क्वेंस यहां पे है इस दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं ऑन टॉसिंग टू क्वेंस साइमल्टेनियसली तो यहां पे हो सकता है कि इसमें आपका हेड आ जाए इसमें आपका टेल आ जाए या फिर इसमें हेड आ जाए या फिर इसमें भी हेड आ जाए या फिर इसमें टेल आ जाए इसमें हेड आ जाए या फिर इसमें टेल आ जाए इसमें भी टेल आ जाए तो जैसे ही आप इसको टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे फोर होंगे इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे फोर होंगे यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे फोर होंगे तो ये आप चीज याद रख सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर इसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं तो ऑन टॉसिंग टू काइंसियसली द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज द सिंपल स्पेस इज इक्वल टू फोर ये आपको याद रखने हैं ठीक है थीके? तो ये आपका पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया ठीक है आप एक चीज मैं फिर कह रहा हूं ऑन टॉसिंग ऑन टॉसिंग थ्री क्वाइंस साइमल्टेनियसली थ्री क्वाइंस साइमल्टेनियसली ठीक है द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे द द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे ये आपको बताने हैं आपका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं ये बताने हैं ऑन टॉसिंग थ्री क्वेंसमटेनियसली द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू हॉच वट तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स का नंबर कितना होगा यही आपको बताना है इसका दूसरा नाम क्या है द नंबर ऑफ इसको आप कह सकते हैं सैंपल स्पेस क्या कह, कह सकते हैं इसको सैंपल स्पेस कितने होंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले तीन क्वन को टॉस कर रहे हैं तो एक दो और तीन इस तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे तो यहां पे हेड 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 ऐसा हो सकता है यानी तो फिर यहां पे हेड आ, यहां पे हेड यहां पे टेल हो जाए यानी तो फिर ऐसा हो सकता है यहां पे आपका टेल आ जाए यहां पे हेड आ जाए यहां पे आपका हेड आ जाए या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है यहां टेल आ जाए यहां पे हेड आ जाए यहां पे टेल आ जाए ठीक है ना या नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पे हेड आ जाए यहां पे टेल आ जाए यहां पे टेल आ जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पे हेड आ जाए ठीक है यहां पे टेल आ जाए यहां पे फिर हेड आ जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे टेल आ जाए यहां भी टेल आ जाए यहां पे आपका हेड आ जाए या हो सकता है यहां पे टेल आ जाए यहां पे, पे, पे भी टेल आ जाए और यहां पे भी टेल आ जाए ठीक है ना आप इतने आउटकम्स को देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब आगे आउटकम्स आपका कोई डिफरेंट नहीं आएगा अगर आप कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आउटकम्स आएगा या तो फिर ये वाला आउटकम्स आएगा या ये आएगा 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 इसको छोड़ के और कोई दूसरा आउटकम्स आ ही नहीं सकता तो यही तीन पॉसिबल आउटकम्स यही हमारा एट पॉसिबल पौसि, आउटकम्स हैं जो कि तीनों क्वेंस में आ सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे एट होंगे आप सोच रहे हैं कि और भी कुछ होगा तो और भी करके देखिए अब आपको नहीं मिलने वाले हैं टोटल आउटकम्स इतना ही मिलेगा तो वैसे इसको अगर निकालना है तो टोटल आउटकम्स अगर निकालना है ऐसे ही करके अगर आप देखेंगे तो ऑन टॉसिंग फोर क्वेंस साइमल्टेनियसली फोर क्वाइंस फोर क्वेंस साइमल्टेनियसली अगर आप फोर क्वाइंस को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो ऑन कॉस्ट ऑन टॉसिंग फोर क्वाइंस ठीक है साइमल्टेनियसली अगर फोर पॉइंट को एक साथ टॉस करते हैं ऑन टॉसिंग फोर पॉइंट्स शामिलटेनियसली फोर पॉइंट्स एक ही साथ अगर आप टॉस करते हैं तो फिर टोटल आउटकम्स कितने आते हैं तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे हम टोटल आउटकम्स निकालने का इतना लिखने से अच्छा है कि टोटल आउटकम्स का एक मैं तरीका बता देता हूँ तो टोटल आउटकम्स निकलने का यही तरीका है कि आपका एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ठीक है ना एक एक्सपेरिमेंट में एक एक पॉइंट को टॉस करने में जो पॉसिबल आउटकम्स है तो उसको लिखिए टू द पावर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब आपका जो आउटकम्स आ रहे हैं ठीक है ना नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन क्वाइन अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट परफॉर्मड आप ऐसा याद कर सकते हैं परफॉर्मड परफॉर्म्ड इसका मतलब यह है एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे चाहे हेड आएंगे चाहे टेल आएंगे तो टू का पावर कितना बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है चार बार तो टू का पावर फोर टू का पावर फोर इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो टू टू जाओ फोर टू जाए टू जाओ सिक्सटीन तो यहाँ पे आउटकम्स कितने होंगे सिक्सटीन सिमिलरली अगर थ्री को कर रहे हैं तो एक क्वाइंस में आउटकम्स दो होंगे और तीन बार कर रहे हैं तो तीन तो टू इंटू टू इंटू टू इजिकल टू कितना एट ठीक है ना तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं तो ऐसे करके आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप निकाल सकते हैं ये क्वाइंस में ठीक है तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया ठीक है जैसे देखिए आप लोग वो खेलते होंगे ये जो आपका आ, डेक कार्ड होता है ठीक है ना वेल सपोज डेक ऑफ कार्ड डेक ऑफ कार्ड है सपोज कीजिए जब आप प्ले खेलता है कार्ड जो खेलता है तो प्ले इस टाइप का कार्ड होता है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं तो टोटल इसमें कार्ड जो होते हैं वो फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं फिफ्टी टू कार्ड्स अगर आप इसमें से कोई एक कार्ड्स को ड्रॉ कर लिया ट्रेंडम ठीक है ना एक एक कार्ड्स को ड्रॉ कर लिया ट्रेंडम तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितने होंगे तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे आपके 52 होंगे तो ऐसे करके आप सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी में ये सैंपल स्पेस का ही मेन खेला है अगर आप इसको समझ गए तो आपका काम बन जाता है अब आप आसानी से प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं तो इतना चीज़ तो मैंने आपको बता दिया अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब बताऊंगा और चीज़ें क्या क्या होता है तो देखिए सबसे पहले अगर आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है उसको मैं बता रहा हूँ जैसे देखिए अगर आपके पास दो कॉइंस है एक एक क्वेंस है ठीक है तो इसके जो आउटकम्स होंगे वो चाहे हेड आएंगे चाहे टेल आएंगे मतलब इसका सैंपल स्पेस कितना होगा सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस आपका कितना होगा चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा तो सैंपल स्पेस टू आएगा ठीक है ना और आपको चाहिए हेड आपको क्या चाहिए वैसे भी हेड आता है तो लोग जीतता है तो आपको क्या चाहिए हेड हेड आइए चाहिए तो अगर आपको हेड चाहिए तो जो आपको चाहिए वो आपका फेवरेट है मतलब वो फेवरेबल है। वो आपका क्या है? फेवरेबल तो वो आपका फेवरेबल आउटकम है ठीक है ना तो आपको जो चाहिए वो फेवरेबल आउटकम तो फेवरेबल आउटकम कितना है सिर्फ हेड है तो वन तो प्रोबेबिलिटी को जो डिफाइन किया जाता है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब जो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ठीक है ना प्रोक्वायर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वो होता है कि फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए फेवरेबल तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा फेवरेबल आउटकम यहां पे जो आपका जो आपको चाहिए ठीक है ना तो यहां पे फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम टू द ठीक है ना टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स अब टोटल आउटकम्स को सिंपली कह सकता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो रिक्वायर्ड प्रोबलिटी इज कल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स ऐसे करके तो यहाँ पे अगर आपको हेड चाहिए तो हेड का फेवरेबल आउटकम आपको एक मिल रहा है और टोटल आउटकम्स टू है तो वन बाई टू तो आप जीरो पॉइंट फाइव भी इसको लिख सकते हैं तो ऐसे करके आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को अगर आप डिफाइन करें तो प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स ठीक है टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम क्या कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं तो यही आपका प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन हो गया इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए एक दो क्वेश्चन कराता हूं जहां से आपको समझ में आएगा ठीक है तो क्वेश्चन मैं एक कराता हूं कि देखिए ऑन थ्रोइंग ए डाइस ऑन थ्रोइंग अ डाइस ऑन थ्रोइंग ए डाइस What इज द प्रोबेबिलिटी ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ठीक है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ गेटिंग अ प्राइम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ऑफ गेटिंग इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो सबसे पहले तो आपको एक probability का कॉन्सेप्ट आना चाहिए एट द सेम टाइम आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसको हम प्राइम नंबर कहते हैं तभी आपका काम बन पाएगा तो देखिए सबसे पहले अगर आप अगर आप एक ये ये आपका डाइस है ठीक है ना इस डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे आपको ये बनाना है कि सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे तो जब आप सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो पहला वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है फाइव हो सकता है और सिक्स हो सकता है इसको छोड़ के और कुछ होगा ही नहीं मतलब सैंपल स्पेस का दूसरा नाम क्या है टोटल आउटकम्स ये आपका कितने exactly होंगे ये आपका एग्जैक्टली सिक्स होंगे ठीक है ना दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया है ना ऑफ़ गेटिंग अ प्राइम तो यहां पे प्राइम नंबर आने की क्या है चांस तो प्राइम नंबर तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम आपका क्या है फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स आपको चाहिए क्या ऑफ गेटिंग द प्राइम तो सबसे पहले वन तो आपका प्राइम नंबर नहीं है टू आपका प्राइम नंबर है थ्री आपका प्राइम नंबर है फोर आपका प्राइम नंबर नहीं है फाइव आपका प्राइम नंबर है सिक्स आपका प्राइम नंबर नहीं है तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए टू थ्री और फाइव मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए थ्री दैट इज टू थ्री और फाइव तो अब आपको क्या निकालना है यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यहां पे निकाल दीजिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये कितना होगा वो आपको बता रहा हूं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स थ्री तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं थ्री और टोटल नंबर ऑफ़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज सैंपल स्पेस तो अपऑन सिक्स तो ऐसे करके आप बना सकते हैं तो आप काटेंगे तो थ्री वन जीरो थ्री थ्री टू जीरो सिक्स तो आपका आंसर कितना होगा वन बाई टू जिसको आप ज़ीरो पॉइंट फाइव भी लिख सकते हैं तो ऐसे करके आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं और ऐसे करके आप क्वेश्चन को लगाते हैं ठीक है एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट ठीक हो जाए आप प्रोबेबिलिटी को समझ पाएं अगर आपका छोटा छोटा एग्जाम है तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा अगर आपका अच्छा लेवल का एग्जाम है तो वो अच्छे लेवल का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन एक और मैं कराता हूं जिससे कि सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को समझ पाए तो यह है कि टू अनबाइस्ड टू अनबाइस्ड ठीक है क्वाइंस आर अ टॉस्ट क्वाइंस आर टॉस्ट two unbiased coins are tossed then what is the probability of getting them then what is then what is the probability of getting of getting at most i shall accept at most one head at most one head ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे तो देखिए अनबायस्ड का मतलब बताए अनबायस्ड प्न का मतलब जिसका हम जिसमें हम गेजू नहीं कर रहे हैं मतलब चोरी नहीं कर रहे हैं मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप आ, कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अनबाइस्ड है मतलब यहाँ पे कोई धांधली नहीं चल रहा मतलब यह है कि आप आ, जेन्यून खेल रहे हैं ठीक है ना जेन्यून आपका ये चल रहा है ऐसा नहीं है कि क्वाइन के दोनों तरफ हेड ही हेड है दोनों तरफ मतलब जैसा क्वाइंस होता है वो टोटल ऑनेस्टली आपका ये गेम चल रहा है ऐसा नहीं है कि ये गेम में आपका कोई चोरी चल रहा है ठीक है ना तो इस टाइप का आपका ये क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले तो टू एंड कॉइंस आर टॉस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड तो जब हम टू एंड कॉइन को को टॉस करेंगे तो आपका यहां पे सैंपल स्पेस में बताता हूं सैंपल स्पेस अगर हम सिंपल स्पेस की बात करें तो पहला में हेड आएगा तो हो सकता है दूसरा में क्या आ जाए टेल आ जाए यानी तो ऐसा हो सकता है पहला में हेड और दूसरा में भी हेड ऐसा हो सकता है पहला में टेल और दूसरा में हेड ऐसा हो सकता है पहला में टेल और दूसरा में भी टेल तो टोटल कितना वन टू थ्री फोर तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे फोर हो जाएंगे टू अंड बाइस्ट क्वेंस आर टॉस्ट देन व्हाट इज द प्राइबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड तो सैंपल स्पेस तो चार हो गए तो ये मैंने चारों लिख दिया अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड तो आपको फेवरेबल आउटकम क्या है फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हुआ कि आपको चाहिए क्या तो एट मोस्ट बोल रहे हैं तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि मोस्ट का मतलब होता क्या है अगर आप इसका मतलब ही नहीं समझेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा तो ऐट मोस्ट वन हेड का मतलब होता क्या है एट मोस्ट वन हेड मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैं लिख देता हूं ज़्यादा से ज़्यादा ज्यादा से ज्यादा ठीक है ना मैंने हिंदी में लिख दिया हूं कि ज्यादा से ज्यादा कितना हेड एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है तो इसका फेबर कैसे निकालेंगे तो देखिए एटमोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब एटमोस्ट वन हेड ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो ठीक है ना मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो मतलब ये है कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इस वर्ड को आपको समझना है एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड उससे ज्यादा आपका हेड नहीं होना चाहिए तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा तो पहला अगर बात करें तो क्या क्या ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए तो इसमें देखिए एक हेड है काम चलेगा इसमें एक हेड है काम चलेगा इसमें दो हेड है तो ये नहीं चलेगा ज्यादा से ज्यादा आपको एक ही हेड चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको नहीं भी चलेगा तो ये आपका टेल टेल ये भी आपको कंसीडर करेंगे आप सोचेंगे सर एटमोस्ट वन हेड का मतलब इसमें टेल टेल क्यों आ गया तो देखिए इसमें कहने का मतलब ये है एटमोस्ट वन हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो एक से ज्यादा हेड ना हो और साथ साथ आप जीरो हेड्स भी हो सकते हैं आपको जैसे आप मुझे आप, आप, आपको मैं कहूँगा कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सौ रुपया दीजिए तो आप मुझे टू हंड्रेड आपको मैं ये कहूंगा कि आप हमको ज्यादा से ज्यादा हंड्रेड रुपीज़ दीजिए तो आप हमको टू हंड्रेड रुपीज़ नहीं दे सकते हैं आपको ज्यादा से ज़्यादा हंड्रेड रुपीज ही देना है ऐसा भी हो सकता है कि आप फिफ्टी रुपीज दे दें ऐसा हो सकता है कि टेन रुपीज़ दे दें मतलब ज़्यादा से ज्यादा आप हंड्रेड दे सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे न दें तो अगर मैं आपको कहूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुझे आप हंड्रेड रुपीज़ दीजिए इसका मतलब आप हंड्रेड हमको दे सकते हैं उससे ज्यादा नहीं दे सकता और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दे सकता है तो ऐसेम कंडीशन इसमें है ज्यादा से ज्यादा वन हेड तो ज्यादा से ज्यादा वन हेड का मतलब एक हेड आपका चलेगा एक हेड आपका चलेगा इसमें एक हेड है या फिर नई भी हेड है फिर भी चलेगा मगर ये दो हेड बिल्कुल नहीं चल सकता ये जो दो हेड है ना ये बिल्कुल नहीं चल सकता मतलब इसको मैं प्रोहिबिट करूंगा मतलब आपका फेवरेबल आउटकम क्या है ये वन टू थ्री ये येलो वाला कलर जो है वो आपका फेवरेबल आउटकम है तो यहाँ पे मैंने थ्री लिख दिया तो यहाँ पे अब मैं निकाल रहा हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो ये क्या होता है यहां पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स याद रखिएगा टोटल आउटकम्स कहीं कहीं दूसरा नाम क्या है आपका सिंपल स्पेस है तो फेवरेबल आउटकम कितना है थ्री और टोटल याद रखिएगा आते आते तो लगा कहीं किसी भी कीमत पे आना है आपको ठीक है चलिए तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करता हूं इस पे बेस्ट प्रोबेबिलिटी पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग को एग्जाम में तो अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन अनबायस्ड इज़ टॉस्ट यहां है क्वेश्चन है एन ठीक है अनबायस्ड अनबायस्ड ठीक है ना डाई इज टॉस्ट डाई इज टॉस्ट ऐसा मैंने लिखा एन अनबायस्ड डाइस इज टॉस्ट ठीक है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऐसा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग of getting a multiple of ऑफ थ्री multiple of थ्री बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपका छोड़ के आ रहा है इसका मतलब गारंटी है कि आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए किसी भी कीमत पर तो आप देखिए एन अंडस डाई कॉस्ट डाई इज टॉस्ट तो देखिए डाइस डाई का मतलब है। तो अगर आपका यह डाई है तो आपका इस टाइप का डाई का मतलब एक ही डाई, डाई का मतलब एक से ज्यादा तो जब इसको टॉसिंग किया होगा तो तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे सिक्स होंगे सैंपल स्पेस हो गए अब आपको यहां पर सैंपल स्पेस तो हो गया ना अब आपको कह रहा है प्रेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ थ्री तो इसमें आपका फेवरेबल आउटकम क्या है फेवरेबल आउटकम क्या है तो फेवरेबल आउटकम की, की बात करें तो मल्टीपल ऑफ थ्री तो थ्री का मल्टीपल इसमें क्या है वन तो नहीं है टू तो नहीं है डायरेक्ट थ्री है फोर भी नहीं है फाइव भी नहीं है डायरेक्ट थ्री सिक्स है यही दोनों मल्टीपल ऑफ थ्री है तो टोटल है, तो कितने हैं टू तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम निकाल लिया तो आपको अग यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फेवरेबल आउटकम है टू और टोटल सैंपल स्पेस है सिक्स तो टू अपॉन आपका आंसर हो जाएगा अगर आप चाहें तो काट सकते हैं टू एन द टू टू थ्री या सिक्स वन बाई थ्री आपका आंसर हो जाएगा तो कितना आसान क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ के जा रहे हैं इसका मतलब गारंटी है कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं ठीक है ना तो ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे, देता हूं कि थ्री ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं थ्री अनबायस्ड क्वाइन क्विंस आर अ टॉस्ट थ्री अनबायस्ड coins आर अ टॉस्ट ठीक है ना देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए इसको मैं इसको मैं अच्छे से बताता हूं ठीक है तो क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री अनबायस्ड क्वाइन क्वेंस आर टॉस्ट थ्री अनबायस्ड क्वाइन आर टॉस्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट वन टेल मतलब ये है कि तीन अनबायस्ड क्वाइन है मतलब एक ये है दूसरा ये है और तीसरा ये है तीन अनबायस्ड क्वेंस है थ्री अनबायस्ड क्वेंस है आपको मैं यहां पर लिखा रहा हूं यह आपका पहला है ये आपका दूसरा है ये आपका तीसरा है तो तीन ऑनबाइस्ट क्वेंस ठीक है ना तो इसको टॉसिंग किया गया तो सबसे पहले आपको तो यहां पे सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा सैंपल स्पेस तो देखिए सैंपल स्पेस निकालने का तरीका है कि एक क्वाइन में क्या या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है यहां भी या हेड आ, आ सकता है या टेल आ सकता है हेड आ सकता है या टेल आ सकता है तो एक क्वाइन में जितने होते हैं तो सैंपल स्पेस निकालने का तरीका बस इतना आसान है एक एक में जितना आउटकम्स आ रहा तो है तो कितना हेड टेल टू आ रहा है कितना कर रहे हैं तीन तो टू का पार थ्री तो टू टू जाए फोर टू जो एट और वो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको लिखने का मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ ये जो एट है ना इसको आधा कीजिए तो फोर हुआ तो फोर टाइम्स आप एच लिखिए एच 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 फिर आप फोर टाइम्स टेल लिखिए टेल 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 फिर फोर का आधा कीजिए टू होगा तो दो बार एच 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 लिखिए फिर टू बार टू टाइम्स टी टी लिखिए फिर हेड हेड लिखिए फिर टेल टेल लिखिए फिर उसका आधा कीजिए तो टू का आधा कितना वन तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे करके आप लगा सकते हैं तो ये आपके टोटल के टोटल क्या हो गए फेवरेबल आउटकम्स हो गए तो टोटल फेवरेट आउटकम्स कितने हैं एट हैं तो यहाँ पे मैंने आसानी से फेवरेबल आउटकम एट लिख लिया ठीक है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बट आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइंड द प्राबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एटलीस्ट वन हेड आपको पूछ रहे हैं मतलब कम से कम एटलीस्ट का मतलब ये समझना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का मतलब एटलीस्ट इसका मतलब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कम से कम इसका मतलब क्या है कम से कम अगर आप इस वर्ड को नहीं समझ पाए तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक है तो कम से कम आपको एटलीस्ट का मतलब कम से कम ठीक है ना एटलीस्ट वन हेड बोल रहे हैं मतलब कम से कम आपका एक हेड तो होना ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है कम से कम एटलीस्ट वन हेड होना ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितना भी हेड हो सकता है तो देखिए कम से कम एटलीस्ट वन हेड तो देखिए यहां पर यहां पे आपका वन हेड है क्या इसमें आपका वन हेड है ही नहीं तो इसमें एटलीस्ट वन क्या बोल रहा है टेल तो इसमें एटलीस्ट वन टेल है ही नहीं एक भी टेल नहीं है तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा एटलीस्ट वन टेल इसमें है तो एक होगा इसमें भी एक है टेल तो यह भी होगा इसमें दो दो टेल है तो होगा हमको कम से कम एक टेल चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है एटलीस्ट का मतलब यहां भी एक टेल है तो ये भी चलेगा यहां पे दो टेल है तो ये भी चलेगा यहां पे दो टेल है तो ये भी चलेगा यहां पे तीन टेल है तो ये भी चलेगा बट अकेला ये हेड वाला नहीं चलेगा ठीक है ना तो अकेला हेड 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 जो है ना वो नहीं चलेगा क्योंकि कम से कम एक टेल मुझे चाहिए ही उससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो यहां पर तो एक भी टेल नहीं है इसलिए इसको नहीं होगा तो यहां पे अगर आप फेवरेबल आउटकम की बात करें फेवरेबल आउटकम की बात करें तो यहाँ पे कितने हो गए फेवरेबल आउटकम सेवन हो गए आउट ऑफ सेवन ये हम नहीं लेंगे तो यहां पे अगर आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आपका कितना होगा फेवरेबल आउटकम सेवन अपॉन टोटल आउटकम एट तो ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं ठीक है अब अगला देखिए सैंपल स्पेस एक चीज एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ सैंपल स्पेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ सैंपल स्पेस की तो देखिए अगर आपका एक डाइस को अगर आप एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं क्या करता है थ्रो अगर आप इसको थ्रो करता है एक डाइस को एक ही साथ तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस एस एस कितना होगा सिक्स होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे होगा अगर सेम चीज़ अगर आप दो डाइस को एक ही साथ थ्रो करता है क्या करता है दो डाइस को एक ही साथ थ्रो करते हैं तो अगर आप इसको एक साथ थ्रो करते हैं तो यहां पे सैंपल स्पेस कितना होगा तो इसका इसका ट्रिक मैं ये बताता हूं कि एक डाइस में देखिए सैंपल स्पेस कितने हैं सिक्स है ना आप दो काम कर रहे हैं दो बार कर रहे हैं तो एक में जो होता है उसको उसका पॉसिबल आउटकम्स लिखिए जितना कर रहा है उसका जितना टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उतना आप पावर में लिख दीजिए तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स यहां पर सिंपल स्पेस होंगे अगर आप तीन को कर रहे हैं तीन ही डाइस को कर रहे हैं एक दो और थ्री वन टू थ्री डाइस हैं आपके पास अगर इस तीनों का आप अगर आप एक ही साथ साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यहां पे साइमल्टेनियसली आप थ्रो कर रहे हैं तो यहां पे सैंपल स्पेस कितने होंगे तो एक में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं एक में सिक्स हैं और कर कितना रहे आप तीन कर रहे हैं तो सिक्स का पावर थ्री तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स तो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स हो जाएगा थर्टी सिक्स सिक्स जा तो थर्टी सिक्स सिक्सा कितना होता है टू हंड्रेड सिक्सटी तो ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं तो जहां पे जितना आपका अगर सपोज कीजिए वन से ज्यादा टाइम्स अगर एक से ज्यादा आपका थ्रो कर रहे हैं तो एक से ज्यादा बार अगर आप कोई भी चीज को थ्रो कर रहे हैं तो उसको पावर में लिखिए और एक पहले वाले का जो आपका आउटकम्स है उसको आप बेस में लिखिए जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही करके दे रहा हूं सपोज कीजिए ठीक है सपोज कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं कि क्वाइंस क्वाइंस है आपके पास क्वाइंस तो सपोज कि एक क्वाइंस दो क्वाइंस तीन क्वाइंस चार क्वाइंस पाँच क्वाइंस फाइव क्वाइंस हैं इसको साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं तो अगर इसमें पहला में क्या हेड टेल आएगा दूसरा में भी हेड टेल आएगा ऐसे ही तीसरा में भी चौथा में भी और पांचवा में भी आपका हेड टेल आएगा तो यहाँ पे अगर आपको सैंपल स्पेस पूछे क्या पूछे आपको यहाँ पे अगर आपको सैंपल स्पेस पूछे तो सैंपल स्पेस देखिए कितना होगा एक में कितना आ सकता है दो एक में आपका जो पहला का होगा उसका आउटकम्स होगा वो बेस में लिखिए और कितना को कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव को कर रहे हैं तो टू का पावर फाइव तो टू का पावर फाइव कितना होगा थर्टी टू तो ऐसे करके आप आसानी से लिख सकते हैं तो आपको सैंपल स्पेस निकालना सिखा दिया अब इसी पे बेस्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं इन असाइमल्टेनियसली ए साइमल इन ए साइमल्टियस ठीक है थ्रो ऑफ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस पेयर ऑफ क्या डाइस ठीक है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ गेटिंग ठीक है ए टोटल सम ए टोटल सम ठीक है ना मोर देन सेवन मोर देन सेवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको यह कह रहे हैं कि इन ए साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस तो यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस कितने होंगे सबसे पहले जब पेयर ऑफ डाइस को अगर आप थ्रो करता है तो एक का होता है सिक्स आउटकम्स और चूंकि दो कर रहे तो सिक्स सिक्स ज्यादा थर्टी सिक्स आपके टोटल आउटकम्स होंगे तो ये हो गया अब आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल सम मोर देन सेवन मतलब टोटल सम सम जो है ना आपका सेवन से ज्यादा हो टोटल सम क्या हो सेवन से ज्यादा हो तो यहाँ पर आप फेवरेबल आउटकम लिखिए कितना होगा तो फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा तो यहाँ पे आपको निकालना है तो देखिए सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स कितना तो आपका सम सेवन से ज्यादा होना चाहिए तो सेवन से ज्यादा कम होगा जब देखिए इसमें तो देखिए अगर इसमें आप वन लेंगे तो इसमें तो दूसरा में, तो में आता नहीं तो दोनों का सम कितना हो रहा है दोनों का सम कितना हो रहा है सेवन लेकिन आपको चाहिए क्या टोटल सम मोर देन सेवन आपका ये नहीं चलेगा तो मतलब आप वन वाले को नहीं ले सकता यहां पे आप वन को इरेज कर दीजिए तो आप कितना ले सकते हैं शुरुआत किससे पहला में कितना होगा टू और दूसरा में कितना तो अगर पहला में दो लेता है तो दूसरा में आप सिक्स लीजिए तो सिक्स प्लस टू कितना एट जो कि सेवन से, से ज़्यादा है अब इसमें अगर थ्री लेता है तो इसमें अगर आप थ्री लेते हैं तो इसमें कितना लेना पड़ेगा फाइव तो ये भी आपका ज़्यादा है इसमें अगर फोर लेते हैं तो इसमें भी कितना लीजिए फोर ये भी सेवन से, से ज़्यादा है एट है दोनों का सम सम बोल रहा है दोनों को जोड़ने के बाद इसमें अगर फाइव लेते हैं तो इसमें आपको थ्री लेना पड़ेगा इसमें भी आपका क्या है इसमें अगर फाइव लेते हैं तो इसमें आपको कितना पड़ेगा? लेना पड़ेगा थ्री लेना पड़ेगा तो इसमें भी आपका काम बन रहे हैं ठीक है ना अब आगे अगर इसमें सिक्स लेता है इसमें क्या लेता है अगर आप अगर इसमें आप सिक्स लेते हैं इसमें अगर सिक्स लेते हैं तो इसमें आप टू ले सकते हैं अब सिक्स से ज्यादा तो आप जा नहीं सकता तो आपका काम यहां पे तीनों में देखिए सारे में आपका टू सिक्स प्लस टू एट फाइव प्लस थ्री एट फोर प्लस फोर एट फाइव प्लस थ्री एट सिक्स प्लस टू एट तो ऐसे करके सेवन से ज़्यादा ही है ऑब्वियसली ठीक है ना ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आप टू के जगह पे अगर आप यहाँ पे यहाँ पे टू से स्टार्ट किया था अगर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है कि शुरुआत आपने टू से कर लिया यहाँ पर टू किया तो यहाँ पर सिक्स हो गया तो ये तो ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर थ्री लीजिए ठीक है और आपने थ्री के बाद फोर तो नहीं लिया है तो यहाँ पे थ्री के बाद फोर लीजिएगा तो आपका सेवन हो जाएगा तो थ्री के बाद आप फाइव लिए तो आप ये थ्री वाला फाइव आप ले चुके हैं ठीक है ना तो इसको आप नहीं ले सकते तो थ्री के बाद आप फाइव ले सकते हैं और थ्री के बाद यहाँ पे थ्री लिए हैं तो थ्री के बाद आप सिक्स भी ले सकते हैं चूंकि ये भी आपका ज्यादा है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं जैसे यहाँ पे अब थ्री के बाद सेवन तो ले नहीं सकते तो थ्री वाला आपका खत्म हो गया अब यहाँ पे फोर लिए हैं तो फोर फोर तो हो गया है फोर के बाद अगर फाइव भी लेंगे फिर भी सेवन से ज़्यादा होता है दोनों का सम फोर के बाद अगर आप सिक्स भी लेते हैं फिर भी आपका सम ज़्यादा होता है तो ये भी काम आपका बन गया तो अब फोर के बाद आप सेवन ले नहीं सकते तो छोड़ दीजिए फोर के बाद फिर फाइव आ जाइए फाइव के बाद आप फाइव के बाद अगर लेंगे तो फाइव और थ्री आपने ले चुका है तो फाइव के बाद आप फोर लेंगे फिर भी आप क्या हैं आप सेवन uh, से ज़्यादा हैं तो फाइव फोर मैंने ले लिया फिर फाइव के बाद आप फाइव भी ले सकते हैं फिर फाइव के बाद आप यहाँ पे सिक्स भी ले सकते हैं तो फाइव और सिक्स आप ऐसे करके ले सकते हैं अब बचा यहाँ पे सिक्स तो सिक्स के बाद टू ले चुके हैं तो सिक्स के बाद थ्री भी ले लीजिए सिक्स के बाद आप फोर भी ले लीजिए सिक्स के बाद आप फाइव भी ले लीजिए सिक्स के बाद आप सिक्स भी ले लीजिए सारा का सारा सारे में देख लीजिए आपका सम मोर देन सेवन होगा तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं ये देखिए तो टोटल आउटकम्स अगर मैं देखूँ तो ये वन हो गया टू हो गया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मतलब आपका टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है फिफ्टीन तो आपको निकालना क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको निकालना क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल आउटकम मतलब फिफ्टीन अपॉन टोटल आउटकम कितना थर्टी सिक्स आप दो क्वेंट को करते हैं तो हमेशा फेवरेबल आउटकम कितना होता है थर्टी सिक्स तो आप चाहें तो यहाँ पे काट सकते हैं तो थ्री से काटिए थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री वन द्री थ्री टू तो जा सिक्स तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो फाइव बाई ट्वेल्व होगा तो ऐसे करके क्वेश्चन लगा सकते हैं ठीक है और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं ऐसे आएंगे ए अडाइस इज थ्रोन अडाइस इज थ्रोन देन वट इज द प्रोबेबिलिटी वट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला एन ऑर्ड नंबर एन ऑर्ड नंबर दूसरा बी वाला पार्ट एन इवेन नंबर तीसरा सी वाला पार्ट प्राइम नंबर डी वाला पार्ट मल्टीपल ऑफ टू ई वाला पार्ट मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री बॉथ एफ गेटिंग सेवन जी गेटिंग अ नेचुरल नंबर तो ये सारे क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन ही ये एक ही क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है सारा का सारा सारा का सारा आपका आंसर बताना है तो देखिए सबसे पहले वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑट नंबर तो यहां पे सैंपल स्पेस कितना होगा वो आपको बताना होगा तो सैंपल स्पेस तो गारंटी अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सिक्स होगा वो कौन कौन होगा वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है फाइव हो सकता है और सिक्स हो सकता है ठीक है आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑर्ड नंबर तो यहां पर ऑड क्या क्या है वन है थ्री है फाइव है तो फेवरेबल ऑर्ड का आपके कितने हैं थ्री और टोटल आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है सिक्स तो थ्री बाई सिक्स तो आंसर कितना होगा थ्री टू जिक्स तो वन बाई टू दूसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट नंबर तो इवेंट नंबर क्या क्या होगा टू होगा टू होगा इसके बाद क्या होगा फोर होगा और सिक्स होगा तो इवेंट नंबर भी आपके थ्री हैं और टोटल आपके कितने सैपलसपे स्पेस सिक्स है तो so, आप काटेंगे तो थ्री वाइन थ्री थ्री टू जिक्स तो वन बाई टू यहाँ भी आंसर आ जाएंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है वन तो होता नहीं है डायरेक्ट क्या होता है थ्री होता है थ्री के बाद प्राइम नंबर टू होता है थ्री होता है फोर नहीं होता क्योंकि टू से डिवेल है आपका फाइव होगा फिर सिक्स नहीं होगा तो यहाँ भी थ्री अपॉन सिक्स तो काटेंगे तो वन अपॉन टू आपका आंसर हो जाएगा मल्टीपल ऑफ टू तो टू का मल्टीपल तो टू वन जब मैं क्या होता है टू वन जा टू 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 जा फोर टू थ्री या सिक्स इसके बाद आपका जाएगा ही नहीं चूंकि सिक्स के ज़्यादा उसमें होता ही नहीं है तो यहाँ पे भी थ्री अपॉन सिक्स हो जाएगा देखिए वन टू थ्री ये तीनों आपका फेवरेबल आउटकम है तो थ्री टू चा सिक्स यहाँ भी वन बाई टू वट इज मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री बोथ मतलब दो का भी मल्टीपल हो और थ्री का भी मल्टीपल हो तो दोनों का जब मल्टीपल हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है वो है सिक्स मतलब आप सिक्स ही ऐसा नंबर है जो कि टू का भी मल्टीपल है और थ्री का भी मल्टीपल है फाइव ना तो टू का है ना थ्री का है थ्री सिर्फ थ्री का है टू का नहीं है इसलिए सिर्फ एक ही नंबर है तो इसका आंसर वन बाई सिक्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर सेवन तो सेवन कभी आ ही नहीं सकता मतलब सेवन आ ही नहीं सकता तो जीरो अपन सिक्स तो आपका आंसर कितना होगा जीरो प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं तो सिक्स अपन सिक्स तो आंसर कितना होगा वन तो नीचे में हमेशा नीचे में हमेशा ये वन तो नीचे में तो हमेशा सैंपल स्पेस वन होगा ही ऊपर में आपका चेंज हो सकता है अच्छा चलिए तो इतना मैंने बता दिया एक चीज़ मैं नोट लिखा देता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कभी इस पिछली बार यूडीसी में क्वेश्चन इसलिए बेस्ट आ गया था याद रखिएगा ये जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है और मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है जीरो से ज्यादा होगा और वन से कम हो सकता है मतलब आपका ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है वन हो सकता है मैक्स कितना हो सकता है मैक्स आपका कितना होगा वन होगा और मिनिमम कितना होगा मिनिमम आपका जीरो होगा इसी दोनों के बीच में आपका प्रोबेबिलिटी होगा इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता तो जीरो से निगेटिव प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं है और फिर एक से ज़्यादा भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता तो एक क्वेश्चन सिंपली ऐसा पूछ दिया था फिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं है ऑप्शन में दे रहा हूं वन बाई टू दूसरा दे रहा हूं जीरो पॉइंट टू तीसरा सी पार्ट दे रहा हूं आपका सी पार्ट दे रहा हूं जीरो डी पार्ट दे रहा हूं आपका वन पार्ट दे रहा हूं आपका टू इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता तो देखिए ये जो वन बाई टू वैल्यू है ये जो आपका वन बाई टू वैल्यू है ये ऑब्वियसली जीरो पॉइंट फाइव होता है कितना होता है ये आपका जीरो पॉइंट फाइव जो कि वन से कम है तो ये हो सकता है यह जीरो पॉइंट टू यह भी वन से कम है तो हो सकता है यह जीरो भी हो सकता है वन भी आपका हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी कभी भी टू टू हो ही नहीं सकता मतलब ये ग्रेटर देन वन हो गया जो कि हो ही नहीं सकता ये आपका नॉट पॉसिबल है इस बात को याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा जीरो से लेकर के वन तक होता है ठीक है एक चीज और एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं कि इफ ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है इसको याद रखिएगा एक नोट है आपका इसको आप नोट भी समझ सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज पी किसी इवेंट को होने का प्रोबेबिलिटी अगर पी है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग दैट इवेंट इज वन माइनस पी अगर किसी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो इस इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी होगा ठीक है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टूडे रेन टूडे इज पॉइंट टू थ्री ठीक है देन वट इज द प्रोबेबिलिटी ट द रेन डजेंट हैपन ठीक है ना डज नॉट हैपन अगर आज बारिश होने का प्रोबिलिटी पॉइंट टू थ्री है तो आज बारिश नहीं होने का प्रोयिलिटी क्या होगा तो कुछ नहीं करना इसको वन माइनस कितना आप होने का प्रोएबिलिटी क्या है तो मान लीजिए होने का प्रोयाबिलिटी कितना है पी कितना है पॉइंट टू थ्री परसेंट तो नहीं होने के प्रोबिलिटी को लिखते हैं पी पे ऐसे करके पी बार तो पी बार इज इक्वल टू वन माइनस पी होते हैं तो वन माइनस पॉइंट टू थ्री तो वन माइनस अगर पॉइंट टू थ्री करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा पॉइंट सेवन सेवन आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना तो पॉइंट सेवन सेवन अगर आप वन में से घटाते हैं पॉइंट टू थ्री तो आपका पॉइंट सेवन सेवन इसी को अगर आपको ट्वेंटी थ्री परसेंट लिख देता प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे आपका सेवेंटी सेवन परसेंट आपका प्रोबेबिलिटी आंसर आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है ना अब देखिए एक आदमी है सपोज कीजिए एक ये है आपका आदमी ठीक है ये जो है आपका आदमी है ठीक है ये यहां से गेंद फेंकता है ये यहां, यहां से गेंद फेंकता है और इसको एक यहां पे टारगेट है इसको स्ट्राइक करता है यहां पे टारगेट है इसको क्या कर रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहां पे फेंकता है तो ये फेंकता है तो कभी यहां लग जाता है कभी यहां लग जाता है कभी यहां लग जाता है ठीक है ना तो अगर अगर ये स्ट्राइक करता है तो अगर ये फोर टाइम्स स्ट्राइक करता है ठीक है ना फोर टाइम्स स्ट्राइक करता है सपोज कीजिए इफ अ पर्सन इफ ए पर्सन हिट्स अ टारगेट Three times out of five times. If a person hits a target, hits a target three times out of five times, then what is the probability that his target fills? चाहे यह भी लिख सकता है डज नॉट हिट्स हिट टारगेट डज नॉट हिट्स ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है जो कि किसी टारगेट को हिट करता है थ्री टाइम्स ठीक है ना आउट ऑफ फाइव टाइम्स तो प्रोबेबिलिटी जो होगा प्रोबेबिलिटी जो होगा जो रियल प्रोबेबिलिटी होगा आपका जो हिट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हिटिंग मतलब हिट जो करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग तो कितना बार कर रहा है फाइव टाइम्स तो सैंपल स्पेस आपका फाइव है और कितना बार फेवरेबल कितना है कितना वो चाहता है कि हिट कर जाए तो फेवरेबल आपका थ्री तो थ्री बाई फाइव आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा बट आपको निकालना क्या है दैट हिट एज नॉट हिट्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग मतलब यहाँ पे हिट ना करे तो जिसको आप लिख सकते हैं पी बार से आप लिख सकते हैं तो पी बार इक्वल टू वन माइनस पी होते हैं तो आपका यहाँ पे वन माइनस p कितना है थ्री बाई फाइव तो यहाँ पे लिख दिया थ्री बाई फाइव तो एक में से आप p को घटा देंगे तो आप वन माइनस पी आ जाएगा तो वन माइनस थ्री बाय फाइव कितना होगा टू बाई फाइव तो ऐसे करके नॉट हीटिंग कितना टू बाई फाइव आप आसानी से लिख सकते हैं ठीक है ना तो ये कितना आसानी मैंने आपको बता दिया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया और एक उर्न बेस्ट क्वेश्चन आता है उर्न बेस्ट क्वेश्चन आता है डाइस बेस्ट क्वेश्चन भी आता है तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन उर्न जो है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो देखिए सबसे पहले यानी तो ये हमारा पार्ट वन सीरीज रहने दीजिए प्रोबिलिटी का तो ये प्रोबलिटी का पार्ट वन है हमारा और पार्ट टू में हम उन बेस्ट क्वेश्चन बताएंगे तो यहां पे मैंने यहां पे यहां पे लिख देता हूं पार्ट वन ठीक है ना पार्ट वन पार्ट है आपका ये पार्ट टू जो होता है वो हमारा उन बेस्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो पार्ट टू में आपको उन बेस्ट पढ़ाऊंगा तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू पढ़ाऊंगा ठीक है ना तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे तो ये पार्ट वन हो गया पार्ट टू हो गया तीन पार्ट में प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे और तीनों पार्ट आपको बनाना है फिर आपको हम होमवर्क देंगे आपको फिर होमवर्क बनाना है तो तीनों पार्ट को देख लीजिए आपका एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है तो आज के लिए इतना ही अब आपको पार्ट टू में हम फिर से मिलेंगे थैंक यू फॉर टुडे